आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi Note 4 के MIUI Mix के 20.10.15 अपडेट के बारे में, जो कि Android 10 पोर्ट रोम है। और यहाँ पे जो है काफ़ी सारी चेंजेस आपको मिलने वाली, सारे लेटेस्ट फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे। और साथ साथ यहाँ पे AOD जो था उसको रिमूव किया गया है, और साथ साथ यहाँ पे जो है रीजन जो है आप चेंज कर पाएंगे, ये जो है फिक्स हो चुका है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो हम यहाँ पे वीडियो में बात करेंगे आगे, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें। और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर लें, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माई डिवाइस की, तो यहाँ पे MIUI 12 हमें देखने को मिलता है। और अगर हम इसके ऑल स्पेक्स में चलते हैं तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे ऑल स्पेक्स के अंदर, और यहाँ पे जो है हमारा एंड्रॉयड 10 देखने को मिल जाता है। और सिक्योरिटी पैच 1 अक्टूबर 2020 की लेटेस्ट मिलने वाली है। वर्जन जो है MIUI मिक्स का 12.2/MMX टीम यहाँ पे देखने को मिल जाता है। मेंटेनर नेम एंड यहाँ पे 20.10.15 बीटा हमें देखने को जो है वर्जन मिल जाता है। और यहाँ पे कर्नल जो है थ्रियल का 32.0 देखने को मिलने वाला है कर्नल। और अगर हम बात करें स्टेटस बार की यहाँ पे जो कि कंट्रोल सेंटर इसका, तो यहाँ पे जो है ब्राइटनेस वो आपकी फ़िक्स हो चुकी है, और सारी चीज़ें तो आपको बिल्कुल लेटेस्ट मिलने वाली है। और अगर हम बात करें वॉल्यूम पैनल की, तो वॉल्यूम पैनल कुछ इस तरीके से आपको मिल जाता है, 3 पैनल के साथ है। एंड यहाँ पे पावर मेन्यू जो है आपका यहाँ पे नॉर्मल देखने को मिलता है, लेकिन आप डेवलपर ऑप्शन से एडवांस रिस्टार्ट जो है इनेबल कर सकते हैं। और अगर हम बात करें रैम मैनेजमेंट की, तो यहाँ पर जो है आपको काफ़ी अच्छा रैम मैनेजमेंट भी मिल जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ, अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्लियर करने के बाद 4GB में करीब 1.7 या 1.8GB के करीब अवेलेबल जो है हमें यहाँ पे स्टोरेज मिल जाता है। और अगर हम बात करें कॉलिंग की, तो कॉलिंग में जो है हमारा यहाँ पे वॉल्टी काम कर रहा है, लेकिन वीडियो कॉलिंग काम नहीं करता है जैसे कि बाकी पोर्ट रोम्स में है। तो उसके लिए आपको जो है ऐप के थ्रू ही वीडियो कॉलिंग करनी पड़ेगी, तभी आप वीडियो कॉलिंग जो है यहाँ पर कर पाएंगे। और यहाँ पे हमारा जो जैक शो कर रहा है मेरा ईयरफोन का, तो ये मेरे फ़ोन के जैक का प्रॉब्लम उसकी वजह से शो कर रहा है, तो आप इसको इग्नोर करना, क्योंकि ये मेरे में ही सिर्फ शो करेगा। आप लोग का सही होगा तो आप में दिक्कत नहीं होगा। एंड यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ऐप बोल्ट की, तो वो भी बिल्कुल लेटेस्ट आपको मिलने वाला है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो पूरी तरीके से इंग्लिश में है, स्मार्ट डिवाइस जो भी आप कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसके अपडेटर की, तो अपडेटर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है जैसे कि आप देख सकते हो, लेकिन फ़िलहाल यहाँ से जो है आप अपडेट नहीं कर पाएंगे, ये आप चेक कर सकते हैं। अपडेट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे हमारा जो है नोट, अगर हम चलते हैं तो नोट के अंदर आपको जो है यहाँ पे लेटेस्ट फीचर ऐड कर दिया गया, जैसे कि डूडल। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है डूडल आपको देखने को मिलने वाला है। इससे आप जो है कोई भी ड्राइंग बनाते हो तो आपको आप उसको जो है सेव कर सकते हो पिक्चर के तरह भी, तो यहाँ से शेयर एज पिक्चर आप कर सकते हो, जो कि आपको गैलरी पे देखने को फिर मिलेगा। तो पिक्चर की तरह भी जो है आप सेव कर सकते हो कुछ भी आप बनाते हो तो। और यहाँ पे एप्लीकेशन सारे तो लेटेस्ट हमें मिल जाते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें कैलेंडर की, तो ये भी जो है आपका बिल्कुल लेटेस्ट ही मिलने वाला है। आपका जो एनिमेशन है काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं इसमें। और यहाँ पे इंपोर्ट इवेंट के अंदर जो है हेल्प का ऑप्शन जो कि ऐड कर दिया गया है यहाँ पे, अभी तो फिलहाल चाइनीज़ ही देखने को मिलता है हेल्प के अंदर जो है, तो आपको चाइनीज़ में ही देखने को मिलेगा। और इसको हम क्लोज़ करते हैं और बात करते हैं यहाँ पे अगर हम गैलरी की, तो गैलरी बिल्कुल लेटेस्ट आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, कोई भी वॉलपेपर ओपन करता हूँ और आपको यहाँ पे इसकी सेटिंग सबसे पहले दिखा दूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो रिकॉग्नाइज टेक्स्ट मिल जाता है, रीनेम के लिए मिल जाता है। और साथ साथ एडिट में चलते हैं, तो यहाँ पे जो है फ़िल्टर सारे हमें देखने को मिल जाएंगे लेटेस्ट, और स्काई भी आपको मिल जाता है बिल्कुल लेटेस्ट, इवनिंग एंड नाइट भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सेफ्टी नेट की, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे जो है मैं रूटेड नहीं है, डिवाइस रूटेड नहीं है, और यहाँ पे जो है सेफ्टी नेट हमें पास मिल जाता है। और अगर आप रूट करना चाहते हो तो बिल्कुल ईजी है, APK सिर्फ मैजिक मैनेजर का आपको इंस्टॉल करना है, उसके बाद तो आपको पता ही है डायरेक्ट ओपन करना है, उसके बाद जो है रूट आपका इंस्टॉल रहता है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जो कि हमारा प्ले स्टोर, तो प्ले स्टोर जो है आपका यहाँ पे डिवाइस सर्टिफाइड जैसे कि आप देख सकते हो, विदाउट रूट जो है सर्टिफाइड प्ले स्टोर आपका मिल जाता है, सेफ्टी इंड पास मिल जाता है। और बैंकिंग ऐप की अगर हम बात करते हैं, तो बैंकिंग ऐप भी आपके यहाँ पे ज़्यादातर बैंकिंग ऐप जो है आपके काम कर जाएंगे, कुछ ही बैंकिंग ऐप हैं जो कि काम नहीं करेंगे, तो उनके लिए जो है आपको रूट करना पड़ेगा और मैजिक मैनेजर से हाइड करके एंड रीनेम करके यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं टूल्स की, तो यहाँ पे भी सारे एप्लीकेशन आपको लेटेस्ट मिलते हैं, FM भी हमारा वर्किंग है, कैलकुलेटर हो गया लेटेस्ट। एंड यहाँ पे स्कैनर की अगर बात करें, तो ये रीडिज़ाइन जैसा कि किया गया इस वर्जन में, तो यहाँ पे जो है रीडिज़ाइन आपको बिल्कुल लेटेस्ट वाला ही मिल जाता है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो बिल्कुल रीडिज़ाइन आपको मिल जाता है स्कैनर। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की जो क्वालिटी है वो आपको 100 Mbps तक की मिलती है, इंटरनल साउंड रिकॉर्डिंग मिल जाता है। फ्रेम रेट जो है हमें यहाँ पे कितना मिलता है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो, 30 FPS जो है देखने को हमें यहाँ पे मिलने वाला है।
और कैमरे की बात करें तो इसमें जो है पोर्ट्रेट मोड तो फिलहाल काम नहीं करता, बाकी नॉर्मल पिक्चर आप क्लिक कर सकते हो। और वीडियो क्वालिटी की अगर हम बात करें तो वीडियो क्वालिटी जो है हमारी यहाँ पे 30 FPS तक की देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जीकेम की, तो जीकेम जो है आप बिल्कुल अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। जीकेम 7.4 जो है बिल्कुल अच्छे से जो है ये काम कर रहे हैं यहाँ पे फिलहाल, इसमें आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। तो आप इसका यूज़ जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से कर पाएंगे और कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। और यहाँ पे हार्डवेयर बटन लाइट अभी फिलहाल फिक्स नहीं हुआ है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हार्डवेयर बटन लाइट जो है हमारी फिक्स अभी नहीं हुई है। और सेटिंग्स की बात करें तो कास्ट जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं ये जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। लॉक स्क्रीन के अंदर जो है AOD जो है रिमूव कर दिया गया, यहाँ पे जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है वो काम नहीं करता। डबल टैप टू बैक हमारा जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं। चार्जिंग एनिमेशन नॉर्मल, बाकी सारी सेटिंग्स आपको मिलने वाली, कोई चेंजेस नहीं इनमें। एंड डिस्प्ले के अंदर चलते हैं, रीडिंग मोड काम कर रहा है, कलर भी काम कर रहा है। डार्क मोड के अंदर आपको इंडिविजुअल ऐप मिल जाता है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे इंडिविजुअल ऐप हमें देखने को मिल जाता है। और नीचे आते हैं तो यहाँ पे स्टेटस बार वाला जो ऑप्शन हमें देखने को मिलता था वो फिलहाल यहाँ से रिमूव करके दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया, तो वो भी मैं आगे आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे एक ऑप्शन और ऐड कर दिया गया है, अलाउ ऑल रोटेशन। तो इससे होता क्या है कि आप रोटेशन आप इनेबल करोगे और इसको इनेबल कर लोगे अलाउ ऑल रोटेशन को, तो इससे आप हर एंगल पर जो है अपने फ़ोन को रोटेट कर पाओगे, जो कि पहले आप नहीं कर पाते थे। तो ये जो है आपका ये फीचर जो है काफ़ी अच्छा आपको दे दिया गया, जो कि आप हर एंगल पर जो है अपने फ़ोन को रोटेट कर पाओगे इसको इनेबल करने के बाद। तो दोनों को ही आपको इनेबल करना पड़ेगा, ऑटो रोटेट आपको इनेबल करना पड़ेगा, अलाउ ऑल वाले से आपका जो है हर एंगल पे रोटेट होता है। एंड साउंड एंड वाइब्रेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फिलहाल कोई भी चेंजेस नहीं है। साउंड हमारा MI साउंड इनहेंसर जो है काम नहीं करता यहाँ पे फिलहाल, ये जो है आपका काम नहीं करने वाला है। एंड नोटिफिकेशन के अंदर अगर आप चलते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंट्रोल सेंटर जो है यहाँ पे ऐड कर दिया गया, तो फीचर्स सारे सेम है, बस लेआउट थोड़ा सा आपका चेंज हो चुका है यहाँ पे बिल्कुल ही। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा न्यू वाला है, ओल्ड वाला जैसे कि आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो ओल्ड वाला भी। तो इस तरीके से जो है यह थोड़ा सा लेआउट आपका आप काफ़ी अच्छा दे दिया है पहले से बेटर। यहाँ से स्विच कर सकते हो साइड, एंड नीचे आपको स्मार्ट होम मिल जाता है और लॉक स्क्रीन के लिए भी दिया गया। लॉक स्क्रीन में कंट्रोल सेंटर आपको इनेबल चाहिए या नहीं, तो आप यहाँ से इनेबल डिसेबल जो भी है कर सकते हो। एंड नीचे स्मार्ट होम भी मिल जाता है। और स्टेटस बार की सेटिंग्स आप देख सकते हो, स्टेटस बार की सेटिंग्स में जो है आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलता, सारी सेटिंग्स सेम ही, बस जगह जो है यहाँ पे चेंज कर दिया गया, थोड़ा बहुत जो लेआउट जो है वो चेंज हुआ है बस। और होम स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पर जो है हमारा सर्च बार मिल जाता है, गूगल का, एंड बाकी सारी चीज़ें तो सेम है, कोई चेंजेस नहीं होम स्क्रीन में भी। वॉलपेपर के अंदर आपका सुपर वॉलपेपर रिमूव कर दिया गया है, जो कि काफ़ी बेटर किया है, क्योंकि यहाँ पे यूजलेस ही था सुपर वॉलपेपर नोट 4 डिवाइस में। और यहाँ पे कुछ MMX टीम के जो है वॉलपेपर्स मिल जाते हैं। और थीम्स जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली, एक और एक्स्ट्रा थीम आपको ऐड कर दी गई है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो, और काफ़ी अच्छी थ्री थीम है यहाँ पे, डार्क ग्रीन में जो है आपको मिलती है यहाँ पे हल्का, तो अप्लाई करके आप यूज़ भी कर सकते हो इसका भी यहाँ पे। एंड थीम स्टोर आपका चाइनीज में ही देखने को मिलता है, और चाहो तो आप थीम इंपोर्ट भी कर सकते हो यहाँ से डायरेक्ट। एंड सिक्योरिटी के अंदर फिलहाल तो मैं इसे सेटअप नहीं किया हूँ अभी, फिलहाल सेटअप करना भूल गया था, लेकिन यहाँ पे जो है बिल्कुल दोनों ही बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा, फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक। तो वॉइस टैप करने से पहले मैं यहाँ पे चेक करके पूरा कंप्लीट आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, तो ये जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है, फिंगरप्रिंट भी FPC में एंड गुडिक्स दोनों में ही काम कर रहा है, और फेस अनलॉक भी हमारा काम कर रहा है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बैटरी की, तो बैटरी बैकअप भी आपको अच्छी यहाँ पे मिल जाती है। बैटरी बैकअप में फिलहाल इस बार दिक्कत नहीं है, बैटरी बैकअप पहले से थोड़ी बेटर हुई है। और ऐप्स की बात करें तो डुअल ऐप का जो है लेआउट आप देख सकते हो, लेटेस्ट बिल्कुल देखने को मिलता है। ऐप लॉक का लेआउट की अगर हम बात करें तो वो भी लेटेस्ट वाला ही देखने को मिलता है यहाँ पे। फीचर तो सारे सेम है, बस लेआउट थोड़ा सा चेंज है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज जो है यहाँ पे हमारी जो है ये सारी लैंग्वेज आपको देखने को मिलने वाली है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। इंडोनेशियन लैंग्वेज जो है फिलहाल देखने को नहीं मिली है मुझे तो यहाँ पे, एंड यहाँ पे ये सारे लैंग्वेज मिल जाते हैं। और रीजन जो है अब आप यहाँ पे चेंज कर पाओगे, जो कि पहले चेंज नहीं कर पाते थे, तो अब आप रीजन जो है बिल्कुल ईजी यहाँ पे चेंज कर पाओगे। एंड फुल स्क्रीन डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो ये तो हमारा बिल्कुल इस तरीके से काम कर रहा है। स्वाइप अप गूगल असिस्टेंट की बात करें तो ये भी जो है बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है यहाँ पे, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हम जेस्चर की बात करें तो आप देख सकते हो बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन हल्का फुल्का आपको कभी कभार लैग देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे हम बात करें यहाँ पे जो कि बटन्स दी गई है, तो बटन्स की बात करें तो बटन्स भी जो है हमारी यहाँ पे काम कर रही है, तो जैसे कि आप देख सकते हो बटन जो है यहाँ पे काम कर रही है, आइए जो है बिल्कुल स्मूथ आपको मिल जाती है बटन में फिलहाल ऐसा कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलता। जैसा शॉर्टकट मिल जाता है, नोटिफिकेशन लाइट में आपको दिक्कत देखने को मिलने वाली है कि नोटिफिकेशन लाइट आपके सिर्फ रेड ही जलने वाली है, कोई भी आप कलर सेलेक्ट करो, कोई नोटिफिकेशन आए या चार्जिंग लगाओ या चार्जिंग फुल हो जाए, रेड ही जलती रहती है, तो एक दिक्कत फिलहाल देखने को मिलता है। एंड क्विक बॉल 100 मोड एसेबिलिटी देखने को मिलता है।
एन स्क्रीन टाइम हमें मिल जाता है और साथ साथ यहाँ पर जो है फोकस मोड हमें देखने को मिल जाता है जैसे कि हमेशा देखने को मिलता है, ये चीज़ें हमें मिल जाती है यहाँ पे। स्पेशल फीचर्स के अंदर गेम टर्बो हमारा पहले वाला है, कोई चेंजेस नहीं है। वीडियो टूल बॉक्स, फ्लोटिंग विंडो, सेकंड स्पेस, मी वाई लैब एंड लाइट मोड नीचे हमें यहाँ पे मिल जाते हैं, ये कुछ सेटिंग्स में स्पेशल फीचर्स के अंदर। एंड बैक करते हैं तो यहाँ पे अकाउंट सेटिंग्स जो है देखने को मिलने वाला है। और एंटूटू बेंचमार्क स्कोर की बात करें तो 88,929 हमें यहाँ पे जो है एंटूटू बेंचमार्क स्कोर मिल जाता है, ये इतना स्कोर फिलहाल हमें अभी देखने को मिलता है। और बात करते हैं यहाँ पे अगर हम गेम टर्बो की तो आप देख सकते हो जो है यहाँ पे ये नॉर्मल वाला ही है। और ग्राफिक की बात करें तो ग्राफिक क्वालिटी जो है यहाँ पे ख़राब आपको मिलने वाली पबजी की, लेकिन डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो आपको दे दूंगा तो आप उस वीडियो को देखना और रूट करके जो है बिल्कुल ईजी आप इसको फिक्स कर पाओगे तो ग्राफिक क्वालिटी आपकी जो है अच्छी हो जाएगी। एंड यहाँ पे जो है ग्राफिक सेटिंग्स जो है स्मूथ पे हाई फ्रेम रेट है और बैलेंस पे मीडियम हमें मिल जाता है जैसे कि बाकी रोम्स में देखने को मिलता है। और पबजी परफॉर्मेंस की बात करें तो पबजी परफॉर्मेंस फिलहाल मुझे उतना ज़्यादा बेटर देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। टच रिस्पॉन्स ठीक ठाक आपको मिल जाता है, उतना ज़्यादा बेटर भी फिलहाल नहीं देखने को मिला है। मतलब ऐसे अगर आप यूज़ करना चाहते हो नॉर्मल तो आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गेमिंग के लिए अगर यूज़ करना चाहते हो तो गेमिंग फिलहाल इसमें आपकी नहीं हो पाएगी क्योंकि गेमिंग परफॉर्मेंस आपको इसमें बेटर नहीं मिलता और आपको लैग भी देखने को मिल जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और बाकी सारी चीज़ें तो सही है, लेटेस्ट फीचर्स के साथ आपको मिल जाता है, बस गेमिंग के लिए फ़िलहाल ये अभी नहीं है। और यहाँ पे इंस्टॉलेशन भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंस्टॉल किस तरीके से आपको जो है इस रोम को करना है, क्योंकि बाकी रोम्स की तरह ही है इंस्टॉलेशन, लेकिन फिर भी मैं सोचा आपके लिए बना देते हैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन भी। तो चलिए हम इंस्टॉलेशन भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको रोम डाउनलोड करके रख लेना जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आपको जो है डाउनलोड कर लेना। उसके बाद चलना है अपनी रिकवरी में, रिकवरी आप कोई से भी यूज़ कर सकते हो, बस लेटेस्ट रिकवरी होनी चाहिए। रिकवरी पे आने के बाद आपको सिंपली वाइप पे जाना है और डॉल्विक कैश सिस्टम डेटा वेंडर इन पांचों को जो है सिंपली आपको स्वाइप टू वाइप कर देना है जैसे कि बाकी रोम्स में आप करते हो, उसी तरीके से बिल्कुल आपको यहाँ पे जो है इसे वाइप कर देना है। थोड़ा सा वेट करना और बैक करना और चलना अपने फाइल में, और फाइल में आपने जहाँ भी रोम रखा है उस रोम को आपको सिंपली सेलेक्ट करना और यहाँ से स्वाइप टू वाइप आपको कर देना इस तरीके से, तो ये जो है प्लस होना स्टार्ट हो जाएगा। प्लस होने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो आपको यहाँ पे जो है वेट कर लेना है और उसके बाद जो है हमें यहाँ पे वाइप कैच कर देना है और यहाँ पे डायरेक्ट आपको जो है सिंपली रीबूट कर लेना है। और अगर आपको रूट करना है तो मैजिक फ्लश मत कर देना, यहाँ से सिंपली आप रोम को बूट होने दो, उसके बाद जो है मैजिक मैनेजर का APK जो है आप इंस्टॉल कर लेना। उसको ओपन करने के बाद बस आपका डाटा ऑन होना चाहिए, वो एक सेटअप होगा, डाटा ऑन रहेगा तो 5 सेकंड में आपका फ़ोन रीबूट होगा, आपको जो है मैजिक मैनेजर भी मिल जाएगा। बस APK इंस्टॉल करना होता है और कुछ नहीं यहाँ पे। और इस तरीके से जो है ये ऑन होने के बाद MI अकाउंट अगर आप यूज़ करते हो तो पासवर्ड मांगेगा, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। एंड यहाँ पर जो है हमारा ऑन फोन जो है ऑन हो जाएगा, आपको सारे सेटअप्स कंप्लीट कर लेना। और डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन आप देख सकते हो, ये एप्लीकेशन है जो कि डिफ़ॉल्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, ये कुछ इस तरीके से हमारा रोम जो है बिल्कुल फ्लश हो जाएगा। तो बस यही सारी चीज़ें थी यहाँ पे इस वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर लें ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए, और आगे भी इस तरह की वीडियो आप सबके लिए लाता रहूँगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।